गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री के यूट्यूब क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। इससे पिछले वीडियो में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के जर्नल नेम, IUPAC नेम, और उसके बाद में हमने पढ़ लिए थे उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणधर्मों में पहला पॉइंट है अपना विलयता, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो किस में घुलता है, किस में नहीं घुलता, उसके बाद में पढ़ेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट किससे ज़्यादा होता है, किससे कम होता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट। अब हम विलयता पे आ जाते हैं। अपने कार्बोक्सिलिक एसिड का जो जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं RCOOH, यहाँ पर H जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा अपने पास नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है अपना पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपना जो पार्ट है वो है आयनिक भाग, और आयनिक भाग जो होता है वो होता है जल स्नेही, यानी कि वाटर सोल्यूबल, और ये वाला जो भाग है उसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग। और हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो होता है जल विरोधी। तो जो अपने कम कार्बन वाले या निम्नतर जो छोटे कम से कम कार्बन वाले या छोटे हाइड्रोकार्बन वाले जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो वाटर में सोल्यूबल होंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, यानी कि वाटर के साथ है और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में आता है और यहाँ पर क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए यह है वो जल में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। लेकिन जो जो हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता जाता है, जो अपना जल विरोधी भाग बढ़ता जाता है, तो इसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि हाइड्रोकार्बन भाग इंक्रीज होने पर इसकी विलयता घटती जाती है, जबकि अगर अपने पास आयनिक पार्ट इंक्रीज होगा तो इसकी सोल्युबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। तो सीधा सीधा हम ऐसा लिखेंगे, अगर अपने पास आ भी जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्युबल होता है नहीं, तो सीधा सीधा आंसर अपने को ये देना है कि निमंतर जो अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कम कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो वाटर में सोल्युबल होते हैं, क्योंकि वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अगर अपने पास उच्च कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं या अपने पास बड़ा हाइड्रोकार्बन भाग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो हैं वो वाटर में अनसोल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ेगा तो जल में विलयता उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है वो जल विरोधी भाग होता है। अब अपने फिजिकल प्रॉपर्टी में जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में एक बार हम इससे पिछले वीडियो में, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन वाले की फिजिकल प्रॉपर्टी जब हमने पढ़ी थी तो उसमें पढ़ चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसमें हमने लिखा था कि टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसमें सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इससे कम होता है वो होता है एल्कोहल का। तो उसके हम यहाँ पर सीधा सीधा हम पहले डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन सीधा सीधा हम ये लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है अदर फंक्शनल ग्रुप में, जैसे एल्डिहाइड है अपने पास, कीटोन है, एल्कोहल है, एमीन है, इथर है, एल्केन है, क्योंकि इसका रीजन दो है। एक रीजन तो ये दे सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होता है एल्कोहल से, दूसरा रीजन हम ये दे सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसके अंदर प्रबल अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, HR C डबल बॉन्ड OH, और इसी के पास अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अणु आता है तो ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस प्रकार से क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर इस प्रकार से डाइमर बना लेता है, यानी कि अपने जो मॉलिकुलर वेट है वो डबल कर लेता है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एल्कोहल, एमीन, एल्डिहाइड, कीटोन, इथर और एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट बात हम ये भी लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के। अपने पास जो जो मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे हमें लिखें कि फॉर्मिक एसिड से ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, वो होगा एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा
वो होगा प्रोपेनोइक एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड से ज़्यादा होगा ब्यूटेनोइक एसिड का। तो हम ये कहें कि सीधा सीधा कि अगर अपने पास बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। तो यहाँ पर अपने से क्वेश्चन पूछा जाए तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एल्कोहल से, तो उसके दो रीज़न हमने दिए हैं। रीज़न नंबर एक हमने ये दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा ध्रुवीय प्रकृति का होता है एल्कोहल से। दूसरा ये रीज़न हमने दिया है कि ये जो है वो इसमें प्रबल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फोर्स होते हैं, यानी कि ये अपने एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर डाइमर बना लेते हैं, जिससे इनका मॉलिक्यूलर वेट डबल हो जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम इसके साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएँ पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्मों में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसकी अम्लीय प्रकृति। थ्योरेटिकल एग्जाम की दृष्टि से भी, जैसे ट्वेल्थ के चाहे आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई, और उसके अलावा इसके कंपटीशन एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी अम्लीय प्रकृति में हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं RCOOH। ये अपने पास इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पर जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसका मतलब ईजी वे में यहाँ से क्या कर देता है, प्रोटॉन रिलीज कर देता है, यानी कि अपने को एच प्लस आयन देता है। और एच प्लस आयन देता है तो ये अपने पास किस नेचर का हो गया है, एसिडिक नेचर का हो गया है। वैसे भी हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हमने बोला है, इसका मतलब ये किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। और उसका हमने रीजन भी यहाँ पर देख लिया, क्योंकि अपने को ईजी वे में क्या देता है, प्रोटॉन देता है। और यहाँ पर बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, पीछे कई बार एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कार्बोक्सिलेट आयन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, वो अपने पास फॉर्मेट आयन का भी बनवा सकता है, एसीटेट आयन का भी बनवा सकता है, या कार्बोक्सिलेट आयन का भी बनवा सकता है। तो हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलेट आयन का बना देते हैं। फॉर्मेट आयन और एसीटेट आयन का सेम होगा, RC OO-। ये अपने पास कार्बोक्सिलेट आयन है। फॉर्मेट आयन की बात करें तो फॉर्मिक एसिड लेंगे तो यहाँ पर H आ जाएगा। एसीटेट आयन की बात करें तो हम यहाँ पर एसिटिक एसिड लेंगे तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा। तो हमने ले लिया है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, पाइप बॉन्ड आया है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, कम हो गई है। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन है वो इसको क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाती है RC ऑक्सीजन के ऊपर माइनस और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आया है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर। और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे। तो इसकी नेक्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी RC OO-। तो ये इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई है, और कम बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर हमने अम्लीय प्रकृति पढ़ ली, क्योंकि ये OH जो है यहाँ पर अपने पास ये पोलर नेचर का ये बॉन्ड है, अपने को यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करेगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर का होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन की ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर हो गई है। फिर हम इसकी बात कर लेते हैं कि एसिडिक नेचर का होता है, ये अपने किसी रिएक्शन द्वारा कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक दो रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे कोई भी एसिड जो होता है वो किसी बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है, यानी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ये रिएक्शन हम काफ़ी 8th-9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कोई भी अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या मिलेगा, OH- आयन, और यहाँ से मिलेगा H+ आयन। तो OH- H+ आपस में जुड़ के तो क्या बना लेंगे, वाटर बना लेंगे, और यहाँ से बन जाएगा RC OO-, यानी कि अपने पास बन जाएगा सोडियम कार्बोक्सिलेट, एक अपने पास कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट हम दूसरी रिएक्शन ये दे सकते हैं कि अगर कोई भी एसिड जो होता है वो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके, हाई रिएक्टिव मेटल जैसे हमने सोडियम यहाँ पर लिया है, हाई रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है अपने को, हाइड्रोजन गैस देता है। इस चीज का हम डिस्कस हैं वो अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे उसके चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास
थर्ड जो रिएक्शन है वो हम ये कह सकते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो ये तेजी के साथ अपने को क्या देता है, CO2 गैस देता है, R से डबल बॉन्ड ONA प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये तीनों रिएक्शन है वो ये प्रूव करती हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब इसके नेक्स्ट जो हैं उसके एसिडिटी को कुछ ऐसे भी इफेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं कि प्रभावित करते हैं कि नहीं एसिडिटी कब बढ़ती है और कब घटती है। तो नेक्स्ट इसी के अंदर अम्लीय प्रकृति के अंदर अपना अगला टॉपिक ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी को इफेक्ट करने वाले हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अपने पास इसके जो एसिडिटी को इफेक्ट करता है वो करता है प्रेरणिक प्रभाव, जिसको हम इंडक्टिव इफेक्ट आई इफेक्ट भी कहते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट हमने पीछे भी पढ़ा है, जब हमने नाभिक स्नायु योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता पढ़ी थी उसमें भी हमने ये बात की डिस्कस की थी। और उसके अलावा हमने 11th क्लास के चैप्टर नंबर 12 उसमें भी हमने इस चीज़ का डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव जो है वो दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट प्रभाव। प्लस आई इफेक्ट जो प्रभाव होता है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितने भी ओल एल्किल ग्रुप जो होते हैं, ओल एल्किल ग्रुप जिसमें एथिल मेथिल प्रोपिल ब्यूटिल आइसो नियो टर्सरी सेकेंडरी, वो सारे के सारे एल्किल ग्रुप किस में आते हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप में आते हैं। प्लस आई इफेक्ट हम ये भी कह सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन अटम, यानी नंबर ऑफ कार्बन अटम बढ़ते जाएंगे तो उसका प्लस आई इफेक्ट क्या बढ़ता जाएगा। उसके बाद है अपना माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं CF3 है वो सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, उससे कम NO2, उससे कम CN, उससे कम फ्लोरीन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन और ब्रोमीन से कम है आयोडीन। ये जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब इसकी जो एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है माइनस आई इफेक्ट है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है वो होती है प्लस आई इफेक्ट है। यानी कि हम ये कह दें कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, अगर प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बढ़ेंगे तो इसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे हमने एग्जांपल लिया फॉर्मिक एसिड HCOOH, उसके बाद में हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, उसके बाद में हमने लिया प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH, उसके बाद में हमने लिया ब्यूटेनोइक एसिड CH3CH2CH2COOH। तो ये हमने क्या ले लिए हैं, तीन चार एसिड ले लिए हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड। तो अपने पास यहाँ पर कोई भी मेथिल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक मेथिल ग्रुप आया, यहाँ पर अपने मेथिल ग्रुप में एथिल ग्रुप में दो कार्बन है, यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप है जिसमें तीन कार्बन है। हमने ये पढ़ा कि प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है वो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा तो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ता जाएगा, और प्लस आई इफेक्ट ग्रुप जो होता है वो एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्लस आई इफेक्ट ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा एसिटिक एसिड से, एसिटिक एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा किससे, प्रोपेनोइक एसिड से, और प्रोपेनोइक ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा किससे, ब्यूटेनोइक एसिड से। इसके अलावा भी हम एक तरीका और दे सकते हैं, वो इजी तरीका है पढ़ने का इसकी एसिडिटी के लिए, उसके लिए हमने एक सिंपल सा रूल बना लें। सिंपल सा रूल जो है अपना वो इस प्रकार से है, डीएनपी रूल। अब डीएनपी रूल का मतलब समझ लें कि डीएनपी रूल के बारे में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डी का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप का अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी एसिडिटी भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप का अगर डिस्टेंस, अगर फंक्शनल ग्रुप से डिस्टेंस क्या होता जाए, बढ़ता जाए, तो उसकी एसिडिटी क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसके बाद में एन का मतलब है अपने पास नंबर। माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वाले जो हैं, ग्रुप वाले का नंबर अगर बढ़ता जाता है तो अपनी एसिडिटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर अपने पास पी का मतलब है पावर, यानी कि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप वालों का अगर पावर बढ़ता जाएगा तो उसकी एसिडिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हमने कौन से लिखे थे, CF3 का पावर सबसे ज़्यादा है, उसका से कम पावर NO2, उससे कम पावर CN, उससे कम फ्लोरीन, फिर हमने लिखा क्लोरीन से कम ब्रोमीन और ब्रोमीन से कम है आयोडीन का होता है। अब यहाँ पर हमने प्लस आई इफेक्ट ग्रुप का क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया था। अब अपने पास नेक्स्ट है वो DNP रूल से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है डिस्टेंस का, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3CH2CH और यहाँ पर लिख दिया मैंने BRCOOH, यानी कि अल्फा कार्बन, यानी कि कार्बन नंबर दो के ऊपर BR लिया है,
फिर हमने एग्जाम्पल लिया CH3, CH2, CH2, COOH, यानी पर यहाँ पर मैंने कार्बन नंबर तीन पे BR ले लिया है। नेक्स्ट हमने लिखा है CH3, CH2, COOH, यहाँ पर मैंने कार्बन नंबर चार पे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से BR लिया है। और अब की बार हम विदाउट किसी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से इसको लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2-bromobutanoic अम्ल, 3-bromobutanoic अम्ल, 4-bromobutanoic अम्ल और ब्यूटानोइक अम्ल। तो अब यहाँ से हम बात करते हैं डिस्टेंस और एसिडिटी की। यहाँ पर कार्बन नंबर दो पे है, यहाँ पर कार्बन नंबर तीन पे है, यहाँ पर कार्बन नंबर चार पे है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप की अगर जो जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो 2-bromobutanoic एसिड ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा किससे, 3 वाले से 3 वाला ज़्यादा होगा किससे, 4 वाले से, और 4 वाला ज़्यादा होगा किससे, विदाउट माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप से। नेक्स्ट हम लेते हैं नंबर, यानी कि अगर नंबर बढ़ते जाएंगे माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप के तो उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं CF3COOH, उसके बाद दूसरा एग्जांपल हमने लिया F2CHCOOH, उसके बाद में हमने लिया FCH2COOH, और उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लिया है CH3COOH। यानी कि यहाँ पर फ्लोरीन 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो जो जो उसके नंबर बढ़ते जाएंगे उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लास्ट अपना है पावर, पावर बढ़ता जाएगा तो उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसके लिए एग्जांपल हमने ले लिया फ्लोरो एसिटिक एसिड, यहाँ में हम कहें कि 2-fluoroethanoic acid, फिर हम ले लें Cl CH2COOH, उसके बाद हमने ले लिया Br CH2COOH, उसके बाद में हमने ले लिया I CH2COOH, और उसके बाद में ले लिया सिर्फ एसिटिक एसिड। इसके एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने पावर के हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का ऐड कर दिया है। तो फ्लोरीन का पावर ज़्यादा होता है क्लोरीन से, क्लोरीन का पावर ज़्यादा होता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन का पावर ज़्यादा होता है आयोडीन से। या हम ये कह सकते हैं फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है आयोडीन, आयोडीन से। तो अब हम नेक्स्ट इसका अगर हम पढ़ें तो किसका ज़्यादा होगा और किसका कम, तो पावर के हिसाब से फ्लोरीन की एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी किसके बजाय, क्लोरीन से, क्लोरीन वाले की ज़्यादा होगी ब्रोमीन वाले से, ब्रोमीन वाले की ज़्यादा होगी आयोडीन वाले से, और आयोडीन वाले की ज़्यादा होगी विदाउट माइनस आई इफेक्ट वाले से। तो ये तो आपने रहा इसकी एसिडिटी। अब एसिडिटी के ऊपर यहाँ पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन आगे बनता है फिनोल पे और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ये क्वेश्चन भी RBC बोर्ड में एक बार पूछा गया है, वहाँ पर ये पूछा गया था कि फिनोल जो है और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे, फिनोल से, और फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे, वाटर से, और वाटर की एसिडिटी ज़्यादा होती है किससे, एल्कोहल से। क्वेश्चन ये आया था कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में, क्वेश्चन इस प्रकार से था कि फिनोल की अनुनादी संरचनाएँ ज़्यादा होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है किससे, फिनोल से। मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिनोल की अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना कार्बोक्सिलेट यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होती हैं, अधिक होती हैं, परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी यानी कि अम्लीयता, एसिडिटी फिनोल से अधिक होती है, फिनोल से अधिक होती है, क्यों होती है। तो इसका हम आंसर एक बार हम अगर हम इसको एक बार इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर बना लें, फिनोल की स्ट्रक्चर ये है अपने पास, और फिनोल में भी OH बॉन्ड है, यहाँ से अपने को प्रोटॉन जब ये रिलीज कर देगा तो अपने पास क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन बनता है। प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है और क्या बन जाता है, अपने पास फिनोक्साइड आयन बन जाता है। इसी प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज करता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है इस हिसाब से। तो ये तो बन गया फिनोक्साइड आयन, और ये जो बना वो बना है कार्बोक्सिलेट आयन। तो फिनोक्साइड आयन की रिजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है किससे, कार्बोक्सिलेट आयन से, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है किससे, फिनोल से। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे तो यहां पर बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो अगले कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनी है,
इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दिए गए हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी बॉन्ड क्या रह जाएंगे, सेम पोजीशन पे रह जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन की और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है किसको दे दिए जाएंगे, कार्बन को। तो इसकी रिजोनेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, आर सी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इन दोनों रिजोनेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहे हैं तो किस पर हो रहे हैं, कार्बन पे, जबकि यहां से ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर वापस किधर जा रहे हैं, ऑक्सीजन पर। तो हम ये कह सकते हैं कि फिनोक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉन जो है वो अधिक विद्युतरणी परमाणु से कम विद्युतरणी परमाणु की ओर स्थानांतरित होते हैं, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में सेम विद्युतरणी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अतः कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्थायी होती हैं बजाय किसके, फिनोक्साइड आयन के, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होता है फिनोल से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ और केमिकल रिएक्शंस का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।